नमस्कार दोस्तों, सिप्पू क्लासेज एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज 26 अप्रैल 2023, आज हम डिस्कस करेंगे आज के मुख्य करंट अफेयर्स की क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर जीरो शैडो डे का अनुभव किया गया? तो फ्रेंड्स, बेंगलुरु में 25 अप्रैल को दोपहर में 2:17 पर जीरो शैडो डे का अनुभव किया गया। फ्रेंड्स, इसमें हमारी परछाई गायब हो जाती है क्योंकि सूर्य हमारे लंबवंत आ जाता है। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO और भारतीय नौसेना ने कहाँ पर गैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है? तो फ्रेंड्स, उड़ीसा में DRDO और भारतीय नौसेना ने बैलिस्टिक मिसाइल का डिफेंस इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माणा को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया है, यह किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड में। हाल ही में माणा गांव, जो कि उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में, उसको भारत का प्रथम गांव घोषित किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, एलेक्सेंड्रा कोराप को हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारजा स्टेडियम में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा गया है? तो फ्रेंड्स, सचिन तेंदुलकर के नाम पर शारजा स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम रखा गया है। फ्रेंड्स, हाल ही में सचिन ने अपना 50वां बर्थडे बनाया है। इसी के उपलक्ष्य में शारजा स्टेडियम, जो कि UAE में है, वहाँ पर एक स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर स्टैंड की घोषणा की गई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलुगु एसोसिएशन ऑफ लंदन द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर रघुराम को तेलुगु एसोसिएशन ऑफ लंदन के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर रघुराम स्तन कैंसर के डॉक्टर है। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं हरियाणा के कुछ मुख्य करंट अफेयर्स। परिसीमन 2026 के अनुसार हरियाणा में कुल कितने सांसद बनेंगे? तो फ्रेंड्स, हाल ही में परिसीमन 2026 की घोषणा की गई, जिसके अनुसार हरियाणा में पहले 15 सांसद थे और अब 24 सांसद बनेंगे, 17 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। और फ्रेंड्स, भारत में अब टोटल 1132 सांसद होंगे, जिसमें 800 लोकसभा के सांसद होंगे और 332 राज्यसभा के सांसद होंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के पूर्व CM प्रकाश सिंह बादल का हाल ही में निधन हो गया, वे कितने वर्ष के थे? तो फ्रेंड्स, 95 वर्ष की उम्र में 25 अप्रैल 2023 को प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया। उनका जन्म पंजाब के बादल गांव में 8 दिसंबर 1927 को हुआ था और 25 अप्रैल 2023 को माहौली के एक अस्पताल में उनका 95 साल की उम्र में निधन हो गया। वे पांच बार के पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वे 20 वर्ष की उम्र में अपने गांव के सरपंच बन चुके के थे। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं कुछ अन्य करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।